Hey guys, welcome back to our channel, our crazy reactions. If you're new to this channel, hi, my name is Pitanshu. My name is Navdeep. So, जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये एक कॉमेडी वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है स्टैंड अप कॉमेडी है और इस वीडियो का टाइटल है बनिया वेडिंग में पंजाबी फ्लेवर. तो ये कर रहे हैं कोई गौरव गुप्ता है उनके द्वारा की गई है. तो चलो पहले ये वीडियो देखते हैं, बातें बाद में करेंगे. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या बोलने जा रहे हैं ये. 1 2 3 स्टार्ट. बनिया लोग बहुत सिंपल दिखते रहे, हम बनिया बहुत सिंपल दिखते हैं. तो मैं शो यहाँ पर मुंबई में आया हूँ शो करने, देखो क्या बन गया. कैसे बनी है ये बेसिकली, हम पता सिंपल क्यों रहते बनिया, हमारे पास पैसा बहुत होता, अंधा पैसा होता भाई साहब, कुत्तों वाला. तो किसी का बाप नहीं कमा सकता. सही बात है यार, ये इतना अंधा पैसा होता, मैं सही में बता रहा हूँ. सीरियसली हम लोग बस रहते सिंपल है, ये हमारी स्ट्रेटेजी. सही बात है, बिल्कुल सही बोला. दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया सोचे हाय बेचारा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे क्या पता रोज गड्डियां आ रही है कुत्ते की तरह. बहुत सिंपल दिखते हैं बनिए. एक बार वापस आ रहा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये सब बनिए, ये देख रहे हो तुम, इतना पैसा होना इन सबके पास, ये पूरा क्लब खरीद लें अपनी जमीन. शक्ल से देखो एक्वा गार्ड बेचने वाले लग रहे हैं. जब लड़का चला रहा पापा मेरी पॉकेट मनी मिला दो, नहीं बेटा मार्केट तो डाउन, मार्केट की माँ बहन हो चुकी है बेटा, कुछ नहीं बचा, काम धंधा ठप हो चुका है, जब से मोदी आया बेटा सब खत्म हो चुका है, जीएसटी ने चूस लिया बेटा, जीएसटी ने चूस लिया, अंदर से गटी आ रही है. बेवकूफ बनाते बच्चों को, तरसाते रहते हैं. और जहां तुम्हारे घर में अगर बहन पैदा हो जाए कभी भी चले जाओ पापा पॉकेट मनी मिला दो, बेटा मार्केट डाउन है, बहन की शादी करनी है. मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है, मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है, जब चले जाओ मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है. मतलब मुझे लगता है मेरी बहन की शादी हो भी पाएगी कि नहीं, कहीं सामूहिक विवाह तो नहीं करना पड़ेगा बेचारे का. मैं तो रिक्शे वाले के पास चले गया, मैंने कहा भैया आप कर रहे हो, कह रहा हाँ, मैंने कहा क्या हो रहा है. पूरी जिंदगी ऐसी करते रहे और फाइनली मेरी बहन की शादी हुई, 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए मेरे बाप ने. नहीं लगा ना अपनी शक्ल से भाई, अंबानी लगती ऐसा लगा टेंट में चली गई, लगा था अंबानी यही तो. 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया, मतलब पापा पूरी जिंदगी स्कूटर पे घूमे, बहन की शादी में होंडा सिटी दे दी. मैंने कहा पापा इतना पैसा था कभी बताया नहीं, हमें तरसाते रहते. कह रहे बेटा बेटी तो अपने भाग्य का लेके आती है. भाग्य का, हम और तुम कौन है बेटा करने वाले, भाग्य का लेकर. मैंने कहा भाग्य का लेकर मैं भाषा बना दिया कुत्ते की तरह. पूरी जिंदगी तरसाते रहे, मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है, पता चला मार्केट तो हमेशा से उठी हुई थी भाई, कुछ भी करो. और फाइनली जहाँ बहन की शादी होती ना, बनिया फैमिली में अगर बहन की शादी होती तो भाई की अलग से मार दिया जाती, उसका तो जीना हराम है बेचारे का. मम्मी आके बोलती है तुम्हारा गेट खोल खोल के, अरे तेरी भी बहन है कुछ तो इनपुट दे दे, कैसे होना है कैसे नहीं होना, 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है बेटा बता दे. सारे दिन बस दोस्तों के साथ घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तेरी भी बहन है घंटा होने को तुम्हारी एडवाइस से फर्क पड़ता है. उनको बस ये है कि तू भी बैठक में बैठ, इनपुट दे, करना उनको अपनी मर्जी का ही है. सही बात है, हमारी बनियों में बैठक बहुत होती है फैमिली में ना, ड्राइंग रूम में 9 सीटर सोफा बनियों का ही होता है. 9 सीटर सोफा और वो 5 खाने वाली ट्रे नमकीन नमकीन वाली, हम बनियों में ही होता है 9 सीटर सोफा, क्योंकि बैठा है ना मामा चाचा सब आके, अरे बच्चा ऐसा कर लो ऐसा करना ऐसा करना ऐसी शादी में यार, उसकी शादी में उसकी तो टिक्कियों का स्वाद हाँ मजा आ गया भाई, तो उससे बोल के ऐसा भाई तो मामा मजा पे. इनको सब कुछ 4-4 घंटे तक बैठे चली जाती है बनियों के हैं वेडिंग. सीरियसली हम लोगों को चले यार, और मैं बता रहा हूँ बनिया, हर वेडिंग प्लानर वाले का भाई ड्रीम होता है कि बनिया वेडिंग मिल जाए उसे. उसका करियर ऐसे शूट होता है बनिया वेडिंग. और बनिया चाहे 1.5 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए की शादी करेगा लेकिन 10,000 रुपए जरूर कम करवाएगा. सही बात है, आत्मा की शांति के लिए.
ये डिस्काउंट मिल रहा है। और जहाँ तुम जहाँ तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारे घर में लकड़ा होने लग गया था तुम्हारे कि बेटा कुछ तो इनपुट दे दे, तो मेरे को इतना बोला मैंने इनपुट दे दी। मैंने कहा मम्मी 1.5 करोड़ रुपए लगा रही हो तो 50,000 रुपए का बार काउंटर रख लो। क्या 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 कह रहा है बेटा, बनियों में शराब? नहीं नहीं, हम में नहीं होता बेटा, ये सब पंजाबियों में होता है। नहीं नहीं, पंजाबियों में होता है, हमारे में तो बेटा पूजा होती है, पूजा होती है बेटा, फेरे वेरे का टाइम होता है, पूजा होती है बेटा, हम नहीं रखते शराब, ये पंजाबी रखते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, बनिए भाई होते जो दूसरों की शादी में जा रहे कुत्ते कितने पी रहे हैं। अपने टाइम पे इनकी पूजा हो रही है, बात दूसरे में क्या तांडव हो रहा है क्या? वो क्या हवनपुर में वोडका के शॉट मिलाने वाला है क्या? मेरे बहुत पंजाबी दोस्त है जिनकी शादियों में जा रहे कि मैंने खूब पी है। वो मेरी बहन की शादी में है, कोई मिल्कशेक पी रहा है, कोई बूंदी वाला चलचीरा पी रहा है, एक बंदा तो डेस्परेशन मेडली का सांबर ही पी गया। कह रहा गुप्ता क्या करूं भाई, ये सूखा सूखा मार रहा है, 1.5 करोड़ की शादी की डेकोरेशन में सर पे मारूं? कोई नाच ही नहीं रहा डीजे पे, इतना महंगे डीजे रख रखा, कोई नाच ही नहीं रहा भाई साहब। एक अंकल सफारी सूट में, एक आंटी साड़ी में, ए मेरी तो राजा पे यही होगा, मौत ही नाचेगी भाई साहब डीजे पे। किसी को शराब पिलाएंगे, नाचेंगे कैसे? सही बता रहा हूँ। और जहाँ मैं वही बता रहा हूँ, और मैंने मैंने इनपुट दी मम्मी शराब रख लो तो पंजाबी में ध्यान में नहीं होता, हमें मत कंपेल कर। ठीक है मम्मी शराब मत रखो, चाइनीज काउंटर रख लो, प्याज लहसुन वाला खाना रखो। बेटा प्याज तो फिर भी ठीक है, लहसुन तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, लहसुन लहसुन कुछ नहीं, भाप फैल जाती, भाप भाप फैल जाती बेटा, भाप भाप फैल जाती, भाप फैल जाती बेटा। मेरी बहन ने कहा ठीक है भैया की नहीं सुन रहे तो मेरी सुन लो मम्मी, मेरे को थोड़ा रिवीलिंग टाइप का लहंगा सिलवा दो, थोड़ा सेक्सी टाइप का, सोनम कपूर टाइप। नहीं नहीं बेटा, हमें दुल्हन ये ऐसे नहीं करती बेटा, ये तो पंजाब ने पहनती, हमारे में तो दुल्हन ढकी ढकी अच्छी लगती बेटा, ढकी ढकी अच्छी लगती, ढकी ढकी कुछ भी बोलो, ये पंजाबी में बता, बनिया में नहीं होता। ठीक है जी मान लिया। लेकिन भाई साहब बनिया दुल्हन की एंट्री पे गाना कौन सा चलाते हैं? कौन सा? पंजाबी गाना दिन शगना दा जग, अब चलाओ ना अपना बनिया गाना, उस पे कराओ एंट्री। ये मेरा काला बसंत बनिया आया चावड़ी लेके जा, अब कराओ ना अपना कोई बनिया गाना, उस पे कराओ, उस पे एंट्री अलग ही चल रहा है। हर जगह अब यही लगता है दिन शगना दा, डिसीजन लेने ही नहीं देते बच्चों को। शादी के बाद बोलते कि आप ले डिसीजन। बच्चों को मतलब जब आप टीनेज में हो तो आपको अलाउड ही नहीं है, मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, सीरियसली। मेरे पापा पता है बनियों का, एक तो मेरे पापा का फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड क्या है? क्या? कौन सी कंपनी की शर्ट पहनते हैं? कैंटा बिल्ली। वो कौन सी है? बाय वन गेट 100 90% डिस्काउंट, कैंटा बिल कुटॉन्स TNG, यही है बनियों के फेवरेट ब्रांड। अलग ही चल रहा है भाई साहब। है बाप भी वहीं से शर्ट खरीदता, बच्चों को भी वहीं से खरीदवा देते, वो छोटा बाप बन के घूम रहा है, पता भी नहीं। 16 साल के बच्चे को वो चाइनीज कॉलर पहनाता क्या यार? सेल्समैन मजे ले रहा, बिल्कुल पापा की कॉपी लग रही है, पापा की कॉपी। उनका मार डालो मुझे, कॉन्फिडेंस। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये टी शर्ट मैंने अब जाके खरीदे क्योंकि मैं 30+ हो चुका हूँ। उससे पहले माँ ही लाती है बनियों में बच्चों को, उसको लगता है कुछ गलत ही ले आएगा। और ये मैं टी शर्ट अभी खरीदी क्योंकि मैं 30+ का हो चुका हूँ, और ये टी शर्ट ना मेरी माँ को अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये 3,000 रुपए की टी शर्ट है, और मैं अपनी माँ को बोल रहा हूँ मम्मी 3,000 रुपए की टी शर्ट है, उन्हें समझ में नहीं आएगी। पता क्यों? क्योंकि टी शर्ट है प्लेन, प्लेन। बनियों को प्लेन समझ में नहीं आता भाई साहब। मैं अपनी मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी मैंने टी शर्ट खरीदी अपनी मर्जी से, ये तो बनियान सी लग रही है। यही मैं भी झलझलाता हुआ मोर बन के आ जाऊं उनके, वाह अब बिल्कुल सही लग रहा है मेरे लाल, अब तुझे में बहुत बढ़िया। क्योंकि बनियों को प्लेन समझ, उनको चाहिए कुछ झलझलाता हुआ, कुछ गोटा किनारे का काम, कुछ लट्टू लटकते हुए, शीशे झलझलाते हुए, बत्तख मोर शत्रुमुर ये बन के आ गया लगता। हाँ लगना चाहिए ना। मैं तुम्हें बता दू, टी शर्ट कैंटा बिल के गैंड मैंने लिखवाया है। तो खत्म हो गया। कितना मजा, सही बात है यार, कितनी सही सही बातें की इन्होंने। और उसको ना एक खुद भी बनी है, हाँ। और मतलब उसको इन्होंने ह्यूमर की तरह पेश कर रहे थे, मतलब की हंसी मजाक की तरह पेश कर रहे थे, और काफी मतलब सच सच बातें भी बोली है इन्होंने काफी, और की वो दिखाते किया हमने भी ऐसा, हम तो नहीं है बनी है पर हमने ऑब्जर्व किया है जो हमारे फ्रेंड्स और जो भी हैं,
तो उनसे हमने ऑब्जर्व किया कि एक तो वो कंजूस होते हैं, फिर वो दिखाते नहीं है सच में, वो दिखाते नहीं है, है ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो गरीब है। हाँ, तो इन्होंने काफी अच्छी कॉमेडी की वैसे, तो हम चाहते हैं इनकी और वीडियोस भी हम उस पर देखें और रिएक्ट करें। अगर आप भी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमें तो काफी पसंद आई ये वीडियो, आपको भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बनिए दोस्त जो भी हैं यहाँ पे उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।